दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विरोध कुमार, आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल पे। कक्षा 10 की गणित चैप्टर वाइज आज से हम शुरू कर रहे हैं। बैक टू बैक छोटी छोटी वीडियोस लाएंगे, बहुत लंबी वीडियोस नहीं लाएंगे, डालेंगे सभी चैप्टर्स को हल, और उम्मीद है आपको पसंद आएगा। शुरू करते हैं पहले चैप्टर से। तो पहला चैप्टर का नाम, पहले यूनिट संख्या पद्धति है, यही यूनिट संख्या पद्धति। अब पहले यूनिट में आपको कुल मिला के क्या मिल जाता है संख्या पद्धति में, बस यही सब चीजें। पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है, यही है संख्या पद्धति। और यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथम, आधारभूत प्रमेय, कुछ और प्रमेय, अपरमेय संख्याएं, ये सब कैसे होती हैं, क्या होती हैं, बताएंगे। तो सबसे पहले बात यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, आपने बहुत पहले हल किया होगा, ये सीखा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल, सेम टू सेम इस हिसाब से। 4 से अगर 11 को भाग दिया जाए, 4 दुनिया 8 आए, घटाने पर 3 मिला। जो भाग दे रहा है वो भाजक हो रहा है, जिसका भाग हुआ वो भाज्य है, जो उत्तर में मिला वो भागफल है, जो इधर मिला नीचे वो शेषफल है। तो सिंपल सी बात, इन सबको मिलाकर रखा जाता है यहाँ पे, और इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वही मिलेगा। भागफल और भाजक को गुणा किया, 4 दुनिया 8, 8 3 11, फिर से वही मिल गया। ये होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसका प्रयोग करके बहुत सारे काम किए जाते हैं, लेकिन इसमें मुख्य मुख्य चीजें जो हैं वो समझ लीजिए। इसको इस रूप में भी लिखा जाता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पे क्यू क्वांटेंट यानी कि भागफल है, क्वांटेंट जो भी होता है आप समझ लीजिएगा, आर रिमाइंडर यानी कि शेषफल है, ए क्या है वो भाज्य है, बी क्या है भाजक है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब एक चीज और, यहाँ पे जो r की वैल्यू होती है वो भाजक से यानी भाग देने वाले से यानी कि b से छोटी होनी चाहिए हमेशा, ठीक है, कभी भी बड़ी नहीं हो सकती है। r की वैल्यू या तो 0 के बराबर हो जाती है या फिर b से छोटी ही रहेगी हमेशा, ये बात समझनी है। r से बड़ी भी हो सकती, 0 r का मान 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन b से हमेशा छोटा रहेगा यानी भाग देने वाले से। जैसे कि यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 ही मिलेगा, 3 2 1 0 कुछ भी मिल सकता है, लेकिन 4 या 4 से बड़ी गिनती नहीं मिल सकती। अगर मिल रही है तो ऐसे में आपका भाग है गलत। तो आगे चलते हैं। इस प्रमेयिका का सबसे बढ़िया काम, सबसे जरूरी काम होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का अनुप्रयोग। अनुप्रयोग यहाँ पे हमसे पूछा जाता है प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के लिए ये रूप लिखा जा सकता है, जहां पे क्यों एक पूर्णांक है, अपने उत्तर को सत्यापित कीजिए। एक महत्वपूर्ण प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको कैसे करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। सो दोस्तों, मैंने सवाल को यहाँ पे उतार लिया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुप्रयोग है। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को इसके रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं, आपको इसका जवाब देना है किस प्रकार से, सत्यापित करते हुए समझते हैं। सबसे पहले बात तो यहाँ पे आ जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड प्रमेय का से मैंने यहाँ पे सवाल का एक भी हिस्सा प्रयोग नहीं किया है। यूक्लिड प्रमेय का जो होती है वो b बराबर ए क्यू प्लस आर होती है। ए क्या है, ए भाजक है, क्यू क्या है जो भागफल आता है, आर शेषफल है, और ये है भाज्य जिसका भाग किया गया है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो आर की वैल्यू होती है वो जीरो से बड़ी या जीरो के बराबर हो सकती है, लेकिन हमेशा ए से छोटी यानी भाजक से छोटी होगी, ये होता है प्रमेय। अब जहाँ पे बी एक धनात्मक पूर्णांक है, बी का जो है एक, यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक के बारे में कह रहे हैं, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, अब सवाल का प्रयोग करना शुरू हुआ। धनात्मक पूर्णांक को इसके रूप में लिखा जा सकता है, ये सेम टू सेम इसके बराबर है, और बी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे लिखेंगे जहां बी एक धनात्मक पूर्णांक है और a बराबर a, देखिए q को छोड़ देते हैं, जो q है इसे छोड़ देते हैं, 4 और a क्या होते हैं बराबर, a बराबर 4 है। अब जब इसका प्रयोग करते हैं तो आपको तुरंत मिल जाता है b बराबर 4 q प्लस r। अब यहाँ पे r की वैल्यू जो भी मिलेगी, r की वैल्यू यहाँ पे के लिए हो जाएगा, r की वैल्यू क्या हो सकती है, एक तो हो सकती है, इसको इसी तरीके से लिखते हैं, 0
इतना आर इतना ए की जगह मिल गया तो हमको चार, तो यहाँ पे आर की वैल्यू मिल सकती है 0, 1, 2, 3 मिल सकती है, लेकिन चार के बराबर नहीं मिल सकती है। तो बी अगर पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक तब हो जाए हो पाएगा जब आर की वैल्यू 4 से छोटी हो, यानी 0, 1, 2, 3 हो। अतः यहाँ पे आ जाएगा, अतः क्या कहेंगे, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक किसमें, ये रहा ये धनात्मक पूर्णांक है, अगर r की वैल्यू 0 ली जाएगी तो 4q आ जाएगा, r की वैल्यू 1 ली जाएगी 4q प्लस 1 आ जाएगा, r की वैल्यू 2 ली जाएगी तो 4q प्लस 2 आ जाएगा, r की वैल्यू 3 ले जाएगी तो 4q प्लस 3 के रूप में हो सकती या रूप में हो सकती है या होनी चाहिए, रूप में हो सकती है या इसकी जगह पे होनी चाहिए। ये हो गया हमारा सत्यापन। सो एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं, समझा देते हैं, यहाँ पे भी पूछा जाएगा जो भी, इसको b बराबर a q प्लस r के रूप में लेंगे। अब यहाँ पे r के ये प्रमेयिका का सूत्र है, सीधा सीधा ये सब छाप लेंगे, छापने के बाद आ जाएगा जहाँ पे b एक धनात्मक पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक b एक धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ पे 4q जो होता है a के बराबर हो जाएगा, a बराबर 4 हो जाएगा। अब a बराबर जब 4 मिल जाएगा तो इसके लिए b a की जगह 4 रखने के बाद क्या हो जाएगा, r का मान जो हो जाएगा वो 4 से छोटा हो जाएगा, लेकिन 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है, तो r के वैल्यू 0, 1, 2, 3 आ जाएगी, 4 नहीं होगा, 4 से छोटा होना चाहिए। यानी कि जो धनात्मक पूर्णांक हमको मिला था अभी यहाँ तक, वो r की वैल्यू अगर रखते हैं तो पहले तो मिल जाएगा, जब 0 रखेंगे तो 4q मिल जाएगा, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3 मिल जाएगा, के रूप में हो सकती या फिर होनी चाहिए, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि इसके रूप में है, लिखा जा सकता है क्या, इसके रूप में लिखा जा सकता है धनात्मक पूर्णांक को, इन चारों के रूप में लिखा जा सकता है, केवल इसके रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए हो जाएगा। अतः प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को 4q प्लस 2 के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ये हो गया, क्यों, क्या है, एक पूर्णांक है, पूर्ण अंक है। अब यहाँ पे क्यू का अगर अलग अलग वैल्यू रखेंगे, अगर एक भी रखते हैं तो 4 + 2 यानी कि 6 से शुरुआत होती है, लेकिन पूर्णांक तो माइनस वाले गिनतियां भी होती हैं। इस धनात्मक पूर्णांक की बात करें तो धनात्मक पूर्णांक में एक भी आता है और जीरो नहीं आता है, एक भी आता है, एक फाइंड करने के लिए यहाँ पे 0 या फिर सब रखना पड़ेगा। कुल मिला के बात इतनी सी होती है कि जो भी धनात्मक पूर्णांक होगा इन रूपों में मिल सकता है, एक केवल इसके रूप में नहीं मिल सकता है। सो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये सत्यापन कैसे किया जाता है। इसी भांति सभी प्रकार जितने भी सत्यापन हैं सब इसी प्रकार से किए जाएंगे। सो अभी बातों को करते हैं ख़त्म। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले सत्यापन के साथ।